एच लुकअप वीडियो के पार्ट 5 में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके ग्रेड कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट की एक टेबल है, यहाँ पर मैंने एवरेज तक डेटा को कैलकुलेट किया हुआ है और एवरेज के बिहाफ पे मुझे ग्रेड इस टेबल से कैलकुलेट करनी है। आप इस प्रकार से एक स्लैब यहाँ पर तैयार कर लेंगे ग्रेड के लिए अलग से, और यहाँ पे आप एवरेज के नंबर डिफाइन करेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। अब मैं इक्वल की प्रेस करूँगा, यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन हम इंसर्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आपको अपनी टेबल के अंदर से एवरेज वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। आप कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, टेबल एरे में आपको जहाँ से ग्रेड आपको कैलकुलेट करनी है आप उस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, रो इंडेक्स नंबर, इस टेबल के अंदर जो ग्रेड है वो मुझे कौन सी रो में दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि टॉप टू बॉटम हमारा एच लुकअप डेटा को सर्च करता है, तो सेकंड रो में मुझे ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम टू टाइप करेंगे कॉमा। अब हमें अप्रोक्सीमेट मैच यहाँ पर अप्लाई करना है, उसके लिए हम यहाँ पे वन टाइप करेंगे और ब्रैकेट को मैं कर दूंगा क्लोज, पर एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी ग्रेड जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब मैं माउस के द्वारा इस फार्मूले को आगे ड्रैग कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको एन ए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, आप कीबोर्ड से फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे पहले जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था पहले वाले सेल पर, मैं दोबारा से F2 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट टेबल हमारी सेलेक्ट है। मैं एंटर करता हूँ और फिर से मैं F2 करूँगा तो आप देखेंगे टेबल जो है वो आगे खिसक गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले को दोबारा एडिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और हम टेबल एरे को F4 फंक्शन की से लॉक करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे और हम दोबारा से इस फार्मूले को आगे ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर अब सभी की जो ग्रेड है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं, इक्वल की प्रेस करेंगे, एच लुकअप फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे टैब की के द्वारा, लुकअप वैल्यू में आप एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे वो टेबल जहां से आपको ग्रेड निकालनी है उस टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन की से आप इसे F4 से लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेकेंड रो में आपका ग्रेड दिया हुआ है तो आप टू टाइप करेंगे और जब आपका डेटा अप्रोक्सीमेट मैच नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप यहाँ पे सीधा 1 भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो आपका डेटा फिर भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया है। तो इस प्रकार से आप एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके आसानी से ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।